हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज मैं जो है ना थोड़ा सा विशेष टॉपिक पे बात कर रही हूँ। उससे पहले हमारे सारे भक्तगण इकट्ठे हो जाएं, जिनको जिनको हमारे प्रवचन अच्छे लगते हैं सब लोग हाथ जोड़ करके आज जो है हमारे भगवान को स्मरण करेंगे और साथ में एक हमारी देवी मैया है उनको भी स्मरण करेंगे। तो पहले आप सब लोग अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि बिना आसन ग्रहण किए हुए हमारा आज का जो है वो कथा प्रवचन शुरू नहीं होगा। मैंने इसलिए इसका कथा प्रवचन नाम दिया है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यार पिताजी आप बहुत गुस्से में बात करती हो, तो हम आप सोच लिए कि हम एकदम फनी वे में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बात पहले हमारे सारे भक्तगण आ रहे हैं, तो सब लोग बैठिए लाइन से सारे लोग बैठ जाइए और अपने अगल बगल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ घुसपैठिए आ जाते हैं हम AK-47 लेकर के धड़धड़ जब देखिए तब गोलियों का बौछार करते रहते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हाथ जोड़ करके कथा सुनना है और आज हम कथा सुनाएंगे भगवान का और देवी मैया का। तो भगवान का नाम है हमारे श्रीमान आयुष कुमार जी और देवी का नाम है श्रीमती सृष्टि देवी जी। तो आप लोग दोनों हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम करें, ठीक है। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पहले मैं उनके लिए दो गाना गाना चाहूँगी, मतलब दो नहीं, दो अक्षर गाना चाहूँगी। आवारा हवा का झोंका हूँ, चल निकला हूँ पल दो पल के लिए। ये हमारी बहन जी के लिए, ये आवारा हवा का झोंका ही है बहन जी। इनको आप किसी भी मुंडन में बुला लीजिए, किसी भी विवाह में बुला लीजिए, किसी भी शादी में बुला लीजिए, किसी के यहाँ कोई भी कार्यक्रम हो दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम में एनी टाइम 24 घंटा सातों दिन बारहों महीना गर्मी जाड़ा बरसात हर समय इनकी बुकिंग तय रहती है दोस्तों। ये कभी भी बुलाइए, कहीं पे भी चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये हैं हमारी YouTube की सबसे खलिहर दीदी। खलिहर का मतलब समझ रहे हो, सबसे फ्री, जिनके आगे पीछे कोई काम ही नहीं है। ये हर जगह पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ इनकर आदमी भी जाते हैं पीछे लग्गू बन करके, और अपने तो जाती ही हैं, अपने पतियों को ले जाती हैं, साथ ही साथ लड़कों को ले जाती हैं, सब लोग मिल करके वहाँ जा करके वीडियो बनाते हैं, फिर पार्टी में डिचुक करते हैं। तो आज हम इन्हीं दीदी की बात करेंगे, क्यों? क्योंकि ये दीदी का ड्रामा तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। ये दीदी का तो ऐसा अनबॉक्सिंग पे अनबॉक्सिंग, गिफ्ट अनबॉक्सिंग, फलाना अनबॉक्सिंग, ढकाना अनबॉक्सिंग, ये अनबॉक्सिंग, वो अनबॉक्सिंग, जूता चप्पल अनबॉक्सिंग और साड़ी लुगा अनबॉक्सिंग, पूरा इतना देरी का वीडियो बनाई कि गाई हम गए थे अभी, ये रिसेंटली में गई थी हमारे शांति बहन के यहाँ पार्टी में गई थी दोस्तों, इनका ग्रैंड वेलकम हुआ था वहाँ पे, बिल्कुल एकदम माला वाला पहरा उरा के एकदम स्वागत हुआ था। हमको हमारे करेजे पे सांप लौट गया कि बोली वोली तो नहीं ना चढ़ने जा रहा है जी, एक ही तो हमारे यूट्यूब की खलियर दीदी हैं, उन्हों का हमारे शांति जी बोली वोली तो नहीं ना चढ़ा देंगे नाग देवता को, क्योंकि उनके घर में बहुत नाग निकलते हैं गाइज। तो हम नाग की कहानी अगले वीडियो में लेकर आके आएंगे, क्योंकि हमारी शांति दीदी के घर जो नाग निकलता है ना उसका समाधान करना पड़ेगा और हम लोग नाग का समाधान ढूंढ के रहेंगे, ठीक है गाइज। गाइज नहीं भक्तों, देखिए पसीना तक आ जा रहा है, बाहर का मौसम ही एकदम खूबसूरत सुहाना, रात का टाइम है ना एकदम ठंडी हवा भरी, हम गांव से हैं और ये एकदम चारों तरफ साए 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 सुंदर हवा भरी। हम बताइए यहाँ दुआरे पर बैठ करके मतलब दरवाजे पर बैठ करके आप लोगों से अपना प्रवचन सुना रहे हैं, सोच रहे हैं बाहर चलते, पर बाहर आप लोगों का हमारे मुखार बिंद का दर्शन नहीं होगा, फिर आप लोगों का मन नहीं लगेगा। तो ये हमारी खलियर दीदी जो हैं, इनका हर दो वीडियो के बाद रोना आ जाता है, हर दो वीडियो के बाद ही रोने लगती हैं और हर दो चार वीडियो के बाद ही अपने पुराने पति की कहानी लेकर के आती हैं कि गाइज ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर गाइज हम इनके यहाँ पार्टी में गए तो हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। इनकी एक रिसेंटली वीडियो हम बता रहे हैं गाइज, अभी हमने देखी थी, हमने देखा कि खूब बढ़िया से इन्होंने धुआंधार जो है दिखाया, पहले ढिचुक 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 ढिचुक, अरे टिंकू जिया पल पल नमाने,
ये सब तो हमने देख लिया। फिर ये अपना कायदे से घर गई। सोचिए इनको कतई सबर ही नहीं है कि भैया कम से कम थके हारे घर गई हैं, एक दिन दो दिन रेस्ट कर लीजिए। कौन सा इनका गिफ्ट भागा जा रहा था या कौन सा इनका गिफ्ट हमारी शांति बहन वापस मांग रही थी जो इनको तुरंते जाके अनबॉक्सिंग करना था। एकदम थके हारे एक तो इनके आदमी बेचारे झुलमुलाए जा रहे हैं। हमारे आयुष भैया सच में बहुत पसंद हैं और ये जितने भी धुआंधार पार्टी करते हैं ना उसमें हमको आयुष भैया सबसे अच्छे लगते हैं। लेकिन खाली जो खलियर बहन है ना इनके पीछे घूम घूम के हमारे आयुष भैया भी कतई बिगड़ते जा रहे हैं, नहीं तो वो यूट्यूब के सबसे अच्छे इंसान हैं। अभी देखिए गाइस इनको इतना बेचैनी था क्योंकि इनको लग रहा था कि पता नहीं हम गिफ्ट अनबॉक्सिंग करेंगे तो हमारे यहाँ 10-15 मिलियन सब्सक्राइब वो व्यूज आ जाएंगे, इतना इनको बैखरी धरा था। फिर ही फटाफट से अपना गाइस दिल थाम के बैठिए गाइस अब आने वाला है हमारे शांति का गिफ्ट। अभी गिफ्ट दिखाती, ये देखिए गाइस डब्बा। तो हमको समझ में आया कि हाय इतना बड़ा डब्बा है, कहीं शांति ने 3-4 सोने का ईटा इनको इकट्ठे तो नहीं ना दे दिया। फिर बाद में हमने जब देखा तो उनमें से कप निकला, नहीं क्या निकला था, अरे वो कटोरा प्लास्टिक का कटोरा होता है ना भाई, कौन सा कटोरा होता है, सिरेमिक का होता है, कौन सा होता है भाई, जो बाउल मिला था उनको, बाउल वो मिला था। मारे खुश की अरे बड़ी सुंदर। तो बहुत सुंदर, चलिए ठीक है इनको मिल गया बाउल। ये बहुत खुश हैं कि दोस्तों ये मेरे हस्बैंड को मिला है, उनके हस्बैंड को मिला था वो गिफ्ट, ठीक है। शांति जी ने उनके हस्बैंड को वो गिफ्ट दिया था। फिर हम फिर बोले कि फिर गाय दिल थाम करके बैठी, अब ऐसा गिफ्ट आने वाला है ना, अब ऐसा गिफ्ट आने वाला है कि मैं क्या ही बताऊं। फिर दोस्तों हम करेजे पर दूट हुई पत्थर रखे थे ईटा, क्योंकि वो बोली थी ना दिल थाम के बैठे, तो हमारा दिल मारे उछड़ रहा था, हमारा बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। फिर हम कैसो अपने बीपी को शांत करने के लिए करेजा पर दूठे पत्थर रखे, ईटा रखे, दबाए, तब जा करके ऐसे एकदम तब जा करके हमारा दिल थोड़ा शांत हुआ। हम कूल डाउन कर रहे थे, शांत नहीं हो रहा था कि पता नहीं अगला गिफ्ट कौन सा निकलने वाला है। फिर देखिए हमको पसीना भी होने लग रहा कहानी सुनाते। इसके बाद जो है ना फिर ऐसे निकला ऐसे मुंजामा में से ये देखिए गाइज, ये हमको शांति दी है, बहुते प्यारा लुग्गा, बहुते प्यारा धोती, बहुते प्यारा लुग्गा। इसका बॉर्डर देखिए गाइज, ये देखिए कितनी प्यारी साड़ी है, ये देखिए गाइज कितनी प्यारी साड़ी है। हाय रे हमार क्यूटी पाई साड़ी, मतलब जो इनको कोला वो वाले भेजते हैं प्रचार वाले लुग्गा धोती, हम उसको सही माने कि जो शांति बहन ने गिफ्ट दिया था उसको सही माने, क्योंकि ये तो प्रचार वालों को भी मारे कहती है कि दिखिए गाइज हमारे को प्रचार का लुग्गा मिला, ऐसा लुग्गा देश दुनिया में कहीं नहीं बनेगा, तो प्लीज़ इसको ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 20% ऑफ है, फलाने के पेज पर जाइए, फलाना 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 कूपन कोड है डालिए, साड़ी फ्री में पाइए। अरे बहन फ्री में पाने के चक्कर में 2-4 लोगों के घर आप अपने ही रुपया से पहुंचवा दीजिए साड़ी, मतलब प्रमोशन का साड़ी भी, तो हम किसको सही माने बहन बता दीजिएगा, कि प्रमोशन का साड़ी सही माने कि शांति का साड़ी सही माने, क्योंकि आप तो आप शांति की साड़ी को कह रही हैं कि बहुत बढ़िया साड़ी है, ऐसा साड़ी हमारे पास नहीं है। कल को प्रमोशन का लुग्गा धोती आएगा तो फिर बोलेंगे कि गाइज ऐसा साड़ी हमारे पास नहीं है, इसका कपड़ा देखिए गाइज, इसका फलाना डिजाइन देखिए गाइज। तो बताइए आप तो बिन पेंदी का लोटा बताइए, क्या माने हम आपकी बात को, कहाँ तक सही माने हम, जो बताइए अगर हमारा हार्ट फेल हो गया होता, आप जो कह रही थी दिल फाम के बैठिए अब ऐसा गिफ्ट निकलने वाला है, इतना हम अब करेजे पर पत्थर ईटा सब गाज करके बैठे थे दबा करके उसी में मर जाते। तो फिर इसके बाद बोली कि गाइज हमारे हस्बैंड को भी मिला, हमको भी मिला, हमारे बेटे को भी मिला। फिर हमको समझ में आया कि एक तो हम इतना ईटा पत्थर करेजे पर रख करके बैठे हैं, अब कितना रखे भैया घरे द्वार करेजे पर रख ले क्या, कितना दिल थाम के बैठे। लेकिन ये कहिए कि बेटे का गिफ्ट जो है वो सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट था, बहुत अच्छा लगा, और हमारी शांति जी ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था। दोस्तों शांति बहन से सीखें कि मेहमानों का जो है वो अवगत कैसे किया जाता है और विदाई भी कैसे किया जाता है। चंगू सीखो चंगू कुछ, जब देखो तब तुम
तुमको कोई काम धंधा है नहीं और ऐसा ऐसा साली के बर्थडे में कपड़ा लत्ता भेजवा देते हो जैसे लग रहा है कि तुम्हारे ऊपर 10-20 लाख का लोन हो गया है। सीखो कुछ हमारी शांति बहन से। फिर अगली वीडियो में आता है कि देखो गाइज हमको फिर मिला है और हमारे पति हमारे हस्बैंड को भी मिला है। एक हम बोले थे ना कि बहुत बड़ा धमाका करेंगे तो हम सोचे कि धमाका देखें, जा करके देखे तो पैंट शर्ट का कपड़ा निकला गाइज। अगले वीडियो में चाहती तो उसी वीडियो में दिखा देती, कोई बहुत बड़ा नहीं था। अरे पैंट शर्ट का कपड़ा मिला था हमारे आयुष भैया को, लेकिन ही बहन जी को इनको लगा कि हमारी शांति बहन का इस समय ग्रैंड पार्टी हुआ है, हमारी शांति बहन इस समय थोड़ा चल रही हैं बाजार में, तो क्यों ना हम शांति बहन के नाम से 8 वीडियो छाप लें। तो गाइज ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं इनके इमोशनल ड्रामा के साथ में, क्योंकि हम भी इनको डीकोड करेंगे। तो चलिए यहीं तक थी आज की वीडियो और हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। किसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में? हम कवर करेंगे प्रिया दीप को।